गो संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश की एक दिवसीय प्रवास में संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर आनंद जी महाराज, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में धनोरा मां मेन गंगा तट कोटी घाट पहुंचे। महाराष्ट्र का गो संवर्धन बोर्ड जिला सिवनी के सदस्यों ने महाराष्ट्र का स्वागत किया। महाराष्ट्र ने गो सेवा बोर्ड के कार्य, गो सेवा, गायों का महत्व, गो माता का संरक्षण आदि विषयों पर मार्गदर्शन किया। पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा कहा गया कि गो माता के संरक्षण के लिए संकल्पित है। गो माता को महामारी से बचाने के लिए और संरक्षण के लिए चलाया जा रहा कार्यों की समीक्षा करते हुए महाराष्ट्र ने कहा कि हर हिंदू को गो माता का पालन पोषण करना चाहिए। गो माता हमारे राष्ट्र की धरोहर है, इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं। सभी लोगों से अपेक्षा है कि गो माता का संरक्षण संवर्धन सेवा कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस दौरान सुजान सिंह बघेल, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री गजानंद पंचेश्वर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री नीरज ठाकुर, अध्यक्ष सेवा समिति कोटी घाट रमाकांत राजू राय, कोषा अध्यक्ष राम रंजन बघेल, उपाध्यक्ष राम नरेश राय, जसवंत बघेल, बसंत राय, सुजीत राय, मोनू राय, अर्जुन राय, सुरेश देहरिया, मीडिया बंधु स्वप्निल उपाध्याय, अंकित रजक और अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। केवलारी से कौशल किशोर चौकसे की रिपोर्ट। बघेल कंड की, इसके अलावा मालवा की इन धरतियों पर कितना गोवंश जो है निराश्रित होकर के घूम रहा है उनकी संख्या भी मुझे मालूम है। इस समय हमको 4 लाख गोवंश को आश्रय देने का काम करना है। ये 4 लाख गोवंश जो सड़कों पर बेसहारा होकर भटक रहा है, इसकी भी हमने समीक्षा की। ये गोवंश किसका है? ये गोपालकों का गोवंश है, ये किसानों का गोवंश है। गौशालाओं में पहुंच जाने के बाद गोवंश सड़कों पर नहीं आता। हमने इसकी कई प्रकार की साइंटिफिक विधियां, जो वैज्ञानिक विधि हो सकती है, उस विधि का भी निर्माण किया और इस आधार पर एक एक गोवंश की संख्या का हमें प्रतिदिन संज्ञान रहता है। इसलिए एक अनभिज्ञ साधु आपके बीच में नहीं आया है। केवल गाय के ऊपर शास्त्रीय आख्यान व्याख्यान दे करके आपको गाय की सेवा की प्रेरणा देने वाला नहीं, बल्कि किस ढंग से हमको गाय की सेवा करनी चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा, ये 4 लाख गोवंश के लिए कितनी गौशालाएं और बना देनी चाहिए? हमने कहा एक भी नहीं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मैंने कहा एक भी नहीं, सिरे से खारिज करो गौशालाओं को। जिन्होंने गौशाला बताने का आश्वासन दिया था, जिन्होंने कहा कि हम 24,000 ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलवाएंगे, हमने कहा क्या 24,000 ग्राम पंचायतों में समस्या है गौशाला गायों की? अगर है तो 48,000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में खुलवाई जानी चाहिए। लेकिन आपने 1,000 साइन किया, 1,000 गौशालाएं बन गई, कोई पूर्वापर विचार न करते हुए कि हम गौ माता के कारण मजबूत हो जाएंगे, हम गौ माता के कारण स्थायी सरकार दे देंगे। लेकिन 15 महीने ही आपकी सरकार चल पाई। गौ माता की जितनी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए उतनी आपके ऊपर नहीं हुई। आपने 1,000 गौशाला बनाया, हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन प्रबंधन का विचार आपने नहीं किया। ग्राम पंचायतों के स्तर पर जितनी गौशालाएं बन गई है, ये सारी की सारी गौशालाएं फेलवर सिद्ध हो रही है। इसलिए जो सतयुग से लेकर और कलयुग के आज से 150 वर्ष पहले तक जो गायों के साथ प्रकृति न्याय करती थी, यदि गाय को हम प्रकृति के साथ नहीं जोड़ेंगे, गाय को केवल एक आश्रय दे देंगे, तो गाय का कल्याण नहीं होगा। इसलिए गाय जंगल जाती है चारा चरने के लिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जंगल जाकर के गोपालों के साथ गोचारण का व्रत धारण किया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का मुझे स्मरण आता है, उनके निकट रहने का अवसर मिला है।